चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। कोरोना की संभावित दस्तक को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। चीन समेत कई देशों में पिछले एक सप्ताह से कोविड के नए केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में एक भी नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन सरकार और हेल्थ सिस्टम बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। यूपी सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दे। अस्पताल, बस स्टेशन, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क जरूर लगाए, साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, ऐसी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का। संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में नए केसेस सामने आ सकते हैं, ऐसे में एहतियात के तौर पर सरकार नियमों को और सख्त कर नई एडवाइजरी जारी कर सकती है। और इधर ताज नगरी आगरा में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। विदेशी पर्यटकों को तो जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। चूंकि आगरा में प्रदेश के कोने कोने से लोग ताज का दीदार करने पहुंचते हैं, लिहाजा आगरा प्रशासन ने विदेशी पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग करवाना शुरू कर दिया है। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर विदेशी पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग के बाद ताज में प्रवेश दिया जा रहा है। जैसे ही ये ताजमहल में एंटर करने को हुए, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनको रिक्वेस्ट की, इनका RT-PCR टेस्ट हुआ और अब इनको अंदर जाने दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों की टेस्टिंग के बाद उनके मोबाइल नंबर पर नेगेटिव मैसेज के मुताबिक ताजमहल में जाने की अनुमति दी जा रही है। इन सब एहतियातों के अलावा आगरा के होटल मालिकों को भी ताकीद कर दिया गया है कि सभी पर्यटकों की डिटेल संभाल कर रखी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सके। विदेशी भी हैं जो ट्रेवलर्स हैं और अदर स्टेट के भी हैं, जहाँ पे सस्पेक्टेड कंडीशन देखा जा रहा है उनको भी हम लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं। ताजमहल को देखने आने वालों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही टेस्टिंग की प्रक्रिया चला रहा था, लेकिन नए वेरिएंट के आने के बाद महकमा और ज्यादा अलर्ट हो गया है। यूपी सरकार ने एहतियात के तौर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच एक बार फिर से वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया है। कोरोना के चंगुल में फंस चुके चीन से सामने आ रही तस्वीरों के बीच यूपी के सीएम योगी के निर्देश के बाद अलग अलग जिलों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के इंतजाम दुरुस्त कर लिए गए हैं। लखनऊ से निर्देश जारी होते ही मेरठ मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर्स की दोबारा साफ सफाई शुरू हो चुकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली और उसके बाद उसका असर आप ये देखिए कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जो वेंटिलेटर स्टोर्स में रखे हुए हैं उनकी साफ सफाई का जो काम है वो शुरू हो गया है। अब तक ये धूल फांकते नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए कि इनकी सफाई की जा रही है और उसके बाद जो अलग अलग वार्ड है उन वार्ड में इनको रख लिया जाएगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना से निपटने की तैयारियां पहले से दुरुस्त हैं और ऑक्सीजन प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। ये 1110 लीटर प्रति मिनट हम लोग ऑक्सीजन जनरेट कर पा रहे हैं। 250 डी टाइप सिलेंडर है, 52 बी टाइप सिलेंडर है और 75 कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल हैं। दरअसल भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भारी किल्लत और वेंटिलेटर्स की कमी थी। इसी से सबक लेते हुए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे। बात कर लेते हैं चीन में कोरोना विस्फोट के बाद मचे हाहाकार को देखते हुए पीएम मोदी ने कल हाई लेवल मीटिंग की और देश में कोरोना के मौजूदा हालात का जायजा लिया। कोरोना पर हुई हाई लेवल बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम मोदी को देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कोरोना की नई चुनौती से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर सवाल किया। पीएम मोदी की इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल शामिल थे। इसके पहले कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बयान दिया और कहा कि जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं उस पर सरकार कदम उठा रही है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने भी चिंता जाहिर की। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है।
सरकार ने भी। वहीं संसद के दोनों सदनों में भी अब तमाम सांसद मास्क लगाए हुए दिखने लगे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।